बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। स्पेशली फोकस्ड हम हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। बाकी भी कोर्स जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जिसको आज हम स्टार्ट करने के जा रहे हैं। और ये कोर्स आपको हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम मुहैया कर रहे हैं। तो पहले हम आपको कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और एकेडमी का इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है और इंतहाई कन्वीनियंट जो है वो हम इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एस्पिरेंट्स के लिए कि उनको कहीं भी ट्रैवल ना करना पड़े, कहीं हॉस्टलाइज ना होना पड़े और घर बैठे अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंक्लूडिंग CSS वगैरह उसकी तैयारी कर सकें। तो इस की ही डायरेक्शन और यही हमारा विजन है जिसके लिए हम तगोदो कर रहे होते हैं। तो आज का ये जो सिलेबस है ये है पेयर ऑफ वर्ड्स, ये साथ ही आपकी वोकेबलरी को भी एडअप करेगा, आपकी वोकेबलरी भी इससे बढ़ेगी और इंग्लिश का ये लाजमी पार्ट है, एक हिस्सा है जो अक्सर इम्तहान में आता है इंक्लूडिंग CSS और वन पेपर MCQs में। तो आज का हमारा ये लेसन नंबर जो 1 है एज़ ए डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको ये लेक्चर इस तरीके से लर्निंग आपको कुछ होती है, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश के रेलिवेंट एकेडमी का एड्रेस भी गिवन है वेबसाइट का, www.harvardacademy.com, और व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये लेसन 1 है आज हमारा और हम 5 पेयर ऑफ वर्ड्स सीखेंगे आज के इस लेसन में। तो हर लेसन को हमने बड़ी कोशिश करके उनको जो शक्लें हैं, कुछ कुछ जो तस्वीरें हैं उनके साथ हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो पहले इस तस्वीर पे आप ज़रा गौर करें, एक स्केच है, एक इंसान है वो देख रहा है और उसके सामने आउटसाइड वर्ल्ड उसको नज़र आ रहा है, यानी कि उसके सामने जो चीज़ उसको नज़र आ रही है तो उसमें क्या है, कुछ दरख्त हैं, एक इंसान आदमी जो चल रहा है और उसके साथ एक डॉग है। तो ये सामने उसके देखने में कई सारी चीज़ें उसको बाहर से नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके माइंड में एक चीज़ चल रही है जो कि आप उसकी बैक साइड पे देखें, यानी कि कॉन्शियस पर्सपेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि उसके शऊर में एक चीज़ काम कर रही है जिसमें वो फोकस कर रहा है डॉग को। तो यानी कि शऊर में क्या चीज़ होती है, लाशऊरी में हम बहुत सारी चीज़ें सामने गुजर जाती है और हम देखते नहीं हैं। लाइक आप ट्रैवल कर रहे हों तो आपके सामने से कई सारी चीज़ें गुजर जाती हैं, लेकिन लाशऊरी में देख रहे होते हैं, सामने आएगी तो आप बिल्कुल उससे बच भी जाएंगे सारा कुछ, लेकिन वो आपके शऊर में नहीं होती। शऊर में वो चीज़ होती है जिसको आपने फोकस किया होता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस। इसके मीनिंग अगर इंग्लिश में कहें, द स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग समथिंग, यानी कि जिसको समझना और रियलाइज करना कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस। तो इसको अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें, हर कॉन्शियसनेस दैट शी इज डिफरेंट मेक्स हर फील अनइजी। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है कॉन्शियसनेस, CONSTSCIENTIOSNES, यानी कि पहले आपको CONSCIEN कॉन्शियस, आगे फिर शस जो है TIOS कॉन्शियसनेस, इसको थोड़ा सा आपने सही तरीके से प्रोनाउंस करने की कोशिश करनी, थोड़ा लफ्ज़ लेंथी है, कॉन्शियसनेस। तो इसका मानी होता है ईमानदारी, दयानतदारी के साथ। तो अगर हम इसको पिक्चर को पहले फोकस करें, तो ए टेंडेंसी टू शो सेल्फ डिसिप्लिन, एम फॉर अचीवमेंट, एक्ट ड्यूटीफुली, प्लैंड रैदर दैन स्पॉन्टेनियस बिहेवियर, यानी कि हर चीज़ बड़े इतमाद के साथ, बड़ी सोच समझ के, प्लान करके, अपने आप को डिसिप्लिन में रख के, ये इस तरीके से जो करैक्टर साजी होती है उसको आप क्या कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस। तो ये थोड़ा सा वर्ड है, इसको जो प्रोनाउंस करना थोड़ा सा लग रहा है, कॉन्शियसनेस। तो इसको आप, तो इसके मीनिंग अगर इंग्लिश में हम देखें, पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन टू योर वर्क, कि जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए कोशिश करना, तगोदो करना, कंट्रोल्ड बाई और डन अकॉर्डिंग टू कॉन्शियंस। तो कॉन्शियंस के मुताबिक, यानी कि शऊरी तौर पर जो चीज़ आप करते हैं, प्लान और उसके मुताबिक चलते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस, यानी कि यूजिंग योर कॉन्शियंस
plan and act by your will and put your work in the direction you set for yourself to achieve it. तो इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करें, she has always been a very conscientious worker. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है इंजीनियस, जिसका मतलब होता है होशियार. अगर हम पिक्चर को गौर करें तो देखें, एक आदमी की शक्ल बनी है लेकिन उसके दिमाग की जगह पे एक वो रोशन बल्ब है, यानी कि वो एक बिल्कुल सारी चीज़ें समझता है, उसके आगे पीछे क्या चीज़ें हो रही हैं, यानी कि उसका दिमाग क्या है, एक रोशनी की साथ रिजेंबलेंस दी है. तो रोशनी का मतलब होता है जो आपके सामने आगे पीछे लेफ्ट राइट जो चीज़ें वाकई हो रही हैं वो आपकी नज़र में है. तो इसकी रिजेंबलेंस का मतलब ये था. इंजीनियस का मतलब क्या है? होशियार. होशियार आदमी जो होता है हर वक्त चौकन्ना रहता है, अपने सामने आगे पीछे चीज़ें जो अकर हो रही होती हैं उन पर फोकस करता है. यानी इसका जो इंग्लिश में मीनिंग होगा, वेरी क्लेवर एंड स्किलफुल. वेरी क्लेवर एंड स्किलफुल, यानी कि स्किलफुली जो क्लेवर हो, स्किल भी हो उसके अंदर, उसके अंदर सिर्फ होशियारी नहीं है, क्लेवर नहीं है सिर्फ और सिर्फ, बल्कि स्किल भी है. तो इसको क्या कहेंगे? इंजीनियस. और इसकी स्पेलिंग जो है वो आप गौर करें, INGENIOUS. इसमें आई का इस्तेमाल है इंजीनियस, तो यानी कि वेरी क्लेवर एंड स्किलफुल. इसको सेंटेंस में जब यूज़ करें, शी वॉज इंजीनियस एट फाइंडिंग वेज टू वर्क मोर क्विकली. और इसी का जो सिमिलर मीनिंग में जो प्रोनंसिएशन में है इंजेनुअस, तो ये थोड़ा सा एक सादा लो जो इंसान होता है, जो सिंसियर होता है, ट्रस्टिंग होता है, लेकिन इतना चलाक नहीं होता, इसको इंजेनुअस कहते हैं. ऑनेस्ट भी होता है, सिंसियर भी होता है, ट्रस्टिंग भी होता है. और इसके अंदर क्लेवर का जो एलिमेंट है, क्लेवरिटी का वो नहीं है. और जो आपने आई के साथ अटैच करना है इंजीनियस, यानी कि इंजीनियस वो क्या है? क्लेवर के साथ. और इंजेनुअस वो सिंप्लिसिटी के साथ है, ऑनेस्टी के साथ है, सिंसियरिटी के साथ है. तो ये इसके मीनिंग है इंग्लिश में. यूज़ अगर सेंटेंस में करें, इट हैज़ टू बी सेड इट वॉज रैदर इंजेनुअस ऑफ हिम टू आस्क अ कंप्लीट स्ट्रेंजर टू लुक आफ्टर हिज लगेज. तो अगर इस पिक्चर पर आप गौर करें तो आपको जो आपकी राइट साइड पे पिक्चर नज़र आ रही है, एक ग्लासेस में है फीमेल और एक ग्लासेस के बगैर है. तो ग्लासेस के बगैर जो है उसके साथ वो आप वर्ड पे फोकस करें तो इनजेनुअस, वहाँ पे आई का यूज़ नहीं और इसके साथ इनोसेंट है. और दूसरी जो ग्लासेस के साथ है उसकी आईज और उसके स्टाइल से पता चलता है इंजीनियस, वो क्लेवरिटी, यानी उसके अंदर क्लेवर होने की एक सिंबल नज़र आ रही है. इसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है फैंटेस्टिक. तो फैंटेस्टिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही अच्छा, लाजवाब, बेहतरीन. अगर आप इस पिक्चर को देखें तो जो अपनी टारगेट को अचीव कर लेते हैं सक्सेस के साथ और उसके बाद वो अपनी एक विक्ट्री शो करते हैं, तो आप क्या कहते हैं? ये लाजवाब इन्होंने काम किया. तो उसके बाद एक विक्ट्री और उसकी विनिंग की पोजिशन में जो इशारे होते हैं, किनाया होता है, वो किया जाता है, जिसको एक्सट्रीमली गुड आप कह सकते हैं. यू लुक फैंटेस्टिक इन दैट ड्रेस. और इसका ही जो सिनोनिम है, पेयर दूसरा बनता है, फनेटिकल. तो फनेटिकल जो वर्ड है इसका मतलब होता है बहुत जो जुनूनी होता है, जज्बाती होता है और अच्छा भी होता है. डिस्क्राइब समवन हुज एडमायरेशन फॉर समथिंग इज कंसीडर्ड टू बी एक्सट्रीम और अनरीजनेबल, यानी कि एक अच्छा तो होता है लेकिन उसके साथ अनरीजनेबल उसको एडमायर किया जाता है, तो होता ये भी फनेटिकल. और इसको आप सेंटेंस में यूज करेंगे, हिज एंथ्यूजियज्म, यानी कि होता ही है क्या? जुनूनी होता है. तो जुनून की हद तक होता है, इसके अंदर स्किल और वो नहीं होती लेकिन जुनून का एलिमेंट होता है, तो ये फैनेटिकल होता है. तो दूसरा जो लाजवाब होता है वो फैंटेस्टिक. फैंटेस्टिक और फैनेटिकल, दो वर्ड. तो फैनेटिकल जो है वो है जुनूनी के साथ, जो जुनून रखता हो, जज्बा रखता हो, लेकिन वो हर चीज़ पर कंट्रोल और प्लान नहीं करता. तो इसको सेंटेंस में यूज जब करते हैं, हिज एंथ्यूजियज्म फॉर एरोबिक्स वाज ऑलमोस्ट फनेटिकल, यानी कि अगर आप किसी को देखें जो एरोबेटिक्स करते हैं, ये वो एक करतब दिखाते हैं, तो उनके अंदर जुनून होता है जिसकी वजह से वो ये कर पाते हैं. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है ऑनरेबल. अगर इस पिक्चर पे आप गौर करें तो ये एक ऑफिशियल है, एक ऑफिस में काम करने वाला एक रेस्पेक्टेबल पर्सन है, तो हम उनके साथ ऑनरेबल भी लगाते हैं कि कोई अगर आपके ऑफिस में ऑफिशियल ऑफिसर लेवल पे हो तो उसको आप ऑनरेबल के तौर पे एड्रेस करते हैं. के और इसका मायने क्या है? ए टाइटल यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ समवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. तो अक्सर हम ऑनरेबल
चीफ गेस्ट और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल फ्रॉम फ्लॉ, तो उनको हम रेस्पेक्ट देने के लिए यूज़ करते हैं। द ऑनरेबल एंड्रयू रॉबिन्सन के, अगर एंड्रयू रॉबिन्सन को आप इज्जत के साथ बोलना चाहते हैं, द ऑनरेबल एंड्रयू रॉबिन्सन आप उसको एड्रेस करेंगे। और ऑनरेबल के साथ जो इसका दूसरा पेयर बनता है वो ऑनरेरी है। ऑनरेरी का मतलब क्या होता है? एजाजी तौर पे, फर्ज किया एक पॉलिटिशियन है बहुत अच्छा काम करता है, और उसको एक साइंसदान है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको जो है वो पॉलिटिक्स की या उसकी कोई यूनिवर्सिटी उसको एजाजी डिग्री दे देती है साइंस की, हालांकि वो उधर पढ़ा नहीं होता, लेकिन उसको उसके काम की वजह से उसको एजाजी डिग्री दे दी जाती है कि हम भी चाहते थे कि हमारा प्रोफेशन जो है उसमें ये बंदा ये काम करता और उसके बाद आउटपुट ये होता है, ये इसके लायक है कि हम उसको डिग्री दें, और इज्जत अफजाई के लिए उसको डिग्री दी जाती है, तो उसको एजाजी कहते हैं, जिसको ऑनरेरी इंग्लिश में कहते हैं। और इसके मीनिंग गिवन एज एन ऑनर टू समवन, किसी को आप एज ए ऑनर जब देते हैं कोई चीज़। सेंटेंस में जब इसको यूज़ करें, शी रिसीव्ड एन ऑनरेरी डॉक्टरेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन रिकग्निशन ऑफ हर वर्क फॉर द होमलेस, के जो बेघर लोग थे उनके लिए जो काम करने के एवज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको ऑनरेरी डिग्री दी। तो हमने दो लफ्ज़ इन पर देखे, एक ऑनरेबल एक ऑनरेरी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पेयर है वो है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है? सियासतदान जो होते हैं, वो किसी भी कैलिबर के हों तो उनको पॉलिटिशियन ही आप कहेंगे। ए मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट और लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, लेकिन पहले पिक्चर आप देख लें कि हमारे पास जितने भी ये फेस हैं ये पॉलिटिशियंस के हैं। तो वी डू नॉट हैव गुड पॉलिटिशियन इन आवर कंट्री, तो बैड लक है हमारी। ये सेंटेंस भी कुछ ऐसे ही बना हुआ है। तो जितने भी फेसेस आपको नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं अभी तक हमें नज़र आता जिसने बहुत ज़्यादा सियासत को एक हमारे लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हो या जिस पे हम रश कर सकें। आज भी कोशिश हो रही है, अल्लाह बेहतर करे। इसके बाद स्टेट्समैन है, तो पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन इनमें भी फ़र्क है। स्टेट्समैन सियासतदान ही होता है लेकिन एक विजन के साथ होता है। अब यहाँ पर था रॉ मटेरियल हमारे पास, पॉलिटिशियंस हैं लेकिन उनमें से स्टेट्समैन के दर्जे तक अभी तक नहीं पहुंचा। स्टेट्समैन कौन हो सकता है? एन एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन होना चाहिए सियासतदान, लेकिन एक्सपीरियंस भी उसके पास होना चाहिए, स्पेशली वन हु इज रेस्पेक्टेड फॉर मेकिंग गुड जजमेंट्स, और वो अपने फैसलों की बुनियाद पर एक बहुत उसका मुअज्जज नाम गिना जाए तो उसको हम स्टेट्समैन कहेंगे, जिसने अपनी रियासत के वजूद के लिए, तरक्की के लिए, मजबूती के लिए बहुत काम किया हो तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टेट्समैन। यूज इन सेंटेंस करेंगे, ही वॉज अ सोल्जर एंड स्टेट्समैन, यानी कि वो सोल्जर भी था और साथ में स्टेट्समैन भी था। तो अगर इस ज़मरे में देखें तो हमें यहाँ पे मुशर्रफ की पिक्चर नज़र आती है, वो उस पर सेंटेंस ज़्यादा फिट आता है, लेकिन खैर हमारे पास जो है ये सर चर्चिल, उनकी पिक्चर है, वो देखें एक सियासतदान के साथ साथ कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी विजन की बेसिस पे स्टेट्समैनशिप की एक सिंबल नज़र आ रही है कि वो कुछ काम कर रहे हैं। तो हमने जितने वर्ड्स देखे आप एक दफ़ा उनको रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो उन पे फिर एक दफ़ा। एक था पहला लफ्ज़ था कॉन्शियसनेस, जिसको शऊर उर्दू में मतलब था, और इसका दूसरा जो पेयर था वो था कॉन्सेंशियसनेस। एक था कॉन्शियसनेस और दूसरा था कॉन्सेंशियसनेस। तो एक का मतलब शऊर था और दूसरे का मतलब दयानतदारी था। और दूसरा पेयर जो था वो एक इंजीनियस था, जिसमें आई था उसमें क्लेवर का मीनिंग निकलता है, इंजीनियस जिसमें क्लेवर पर्सन हो, स्किलफुल और क्लेवर हो। इंजेनुअस कौन सा होता है? जो दयानतदार हो और अपनी प्लान के मुताबिक चीज़ें करता हो। और हम जो इंजीनियस इंजेनुअस है उसके अंदर इनोसेंस का जो एलिमेंट है वो होता है, और इंजीनियस के अंदर क्लेवर का। और फैंटास्टिक जो होता है वो एक्सट्रीमली गुड होता है, और फनेटिकल जो होता है ये होता है डिस्क्राइब समवन हुज एडवाइस, जो जनूनी होता है फनेटिकल उसको कहते हैं। एक फैंटास्टिक बहुत खूबसूरत होता है और फनेटिकल जनूनी होता है। दूसरा जो इसके बाद हमने जो देखा था वो था ऑनरेबल, जिसको हम इज्जत देने के लिए उसके नाम के साथ लगाते हैं तो वो ऑनरेबल, और ऑनरेरी होती है एजाजी डिग्री किसी को दीजिए, तो ये पेयर था ऑनरेबल एंड ऑनरेरी। तो इसके बाद पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन था, पॉलिटिशियन सियासतदान होते हैं और स्टेट्समैन क्या होता है? वो सियासतदान जो विजन रखता हो, जो जजमेंट के बेसिस पे अपना एक रिस्पेक्ट जिसने अपनी बनाई हो।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस पहले भी हमने मेंशन किया था, और आपको एंड पे हम जो है वो थैंक्स कहेंगे। अल्लाह हाफिज़।